Good morning students, myself Gaurav Agarwal, lecturer electrical engineering, government polytechnic college Sawai Madhopur. आज हम E206 के यूनिट नंबर 3 के टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि हम जानते हैं, जो एफिशिएंसी होती है उसकी वैल्यू होती है आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट अपॉन इनपुट को हम कैसे लिख सकते हैं? इनपुट होता है हमारा आउटपुट प्लस लॉसेस. आउटपुट और लॉसेस को मिला दिया जाए तो हमारे पास इनपुट आ जाता है. तो हमारे पास जो अब लॉसेस ट्रांसफार्मर में कौन कौन से होते हैं? लॉसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो आयरन लॉसेस होते हैं और एक कॉपर लॉसेस होते हैं. हमने यहाँ पे देखा आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस. तो इस तरीके से हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस. आगे चलते हैं तो आउटपुट क्या होगा हमारा? आउटपुट होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज V2 है. आउटपुट करंट कितनी है हमारी? I2 है. V2 आउटपुट वोल्टेज है, I2 आउटपुट करंट है. और V2 और I2 के बीच में जो फेज एंगल है वो ∅2 है. तो उसको V2 I2 cos ∅2 हमारे पास आउटपुट पावर हो जाएगी, जो कि नीचे आउटपुट पावर V2 I2 cos ∅2 लिखी हुई है. आयरन लॉसेज WI से हमने रिप्रेजेंट किया है. और कॉपर लॉसेज जो होंगे वो I2 स्क्वायर R02. यहाँ पे R02 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर एज रेफर टू सेकेंडरी. तो ये I2 स्क्वायर इंटू R02 हो जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं आगे इसको हम किस तरीके से. I2 जो है वो लोड करंट है. अब सपोज लोड करंट फुल लोड करंट का x टाइम्स है, तो x इंटू I2 फुल लोड करंट. यहाँ पे I2 की जगह लिख देंगे हम V2 एज इट इज रहेगा, cos ∅2 एज इट रहेगा. हमने I2 की जगह सभी जगह x I2 फुल लोड लिख दिया है. इसका मतलब क्या हुआ? x जो है रेशियो है, जो लोड है और जो फुल लोड है उन दोनों का रेशियो है. I2 अपॉन IFL इक्वल टू x है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है. ये वॉट में, इसको किलो वाट में चेंज करने के लिए हमने इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये देखिए x जो कि रेशियो है इनटू फुल लोड KVA V2 I2 FL, ये फुल लोड KVA आ जाएगा. ये फुल लोड पे करंट है I2, इसलिए इसको फुल लोड KVA बोलेंगे. KVA क्या होता है? V इंटू I, इसको हम वोल्ट एम्पियर बोलते हैं. अब यदि ये किलोवाट जो है 10^-3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये फुल लोड KVA हो जाएगा. पावर फैक्टर cos ∅2 उसको अपॉन x इंटू फुल लोड KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस WI प्लस x स्क्वायर इंटू WC. यहाँ पे x क्या है? I2 अपॉन IFL. इस तरीके से ये जो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब आगे हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो हमने ये देखा है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमेशा हम एक वेरिएबल, जो भी सपोज एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उसमें कौन सी चीज वेरिएबल है, मतलब किस एलिमेंट के साथ एफिशिएंसी वेरी कर रही है. तो वो यहाँ पे एलिमेंट हो गया हमारे पास I2 है. I2 के रेस्पेक्ट में जो एफिशिएंसी है वो वेरी कर रही है. जैसे कि हम देखते हैं कि जो I2 है उसके रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी वेरी कर रही है. तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है एफिशिएंसी को I2 के रेस्पेक्ट में. भाई लोड करंट जो है चेंज हो रही है, लोड करंट चेंज हो रही है, तो हमने लोड करंट के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया. डिफ्रेंशिएट करने पे हमें देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है V2 I2 cos ∅2 प्लस WI प्लस I2 स्क्वायर R02 इंटू ऊपर V2 cos ∅2 रह जाएगा. I2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V2 I2 cos माइनस ऊपर आ जाएगा हमारे पास V2 I2 cos ∅2 एज इट इज रह जाएगा हमारे पास. और नीचे हो जाएगा हमारे पास नीचे का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V2 cos ∅2 प्लस WI कॉन्स्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, 2I2 R02 इस तरीके से. और नीचे की जो वैल्यू है वो स्क्वायर हो जाती है, उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे. जीरो के बराबर करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आती है
वो आ जाएगी आई टू स्क्वायर आर जीरो टू इक्वल टू डब्ल्यू आई। ये हम सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी आयरन लॉसेज की जो वैल्यू है, ये आई टू स्क्वायर आर जीरो टू है वो कॉपर लॉसेज है, तो हमारे पास आयरन लॉसेज जो है कॉपर लॉसेज के बराबर आ जाते हैं। इसको जब हम चेंज करेंगे आयरन लॉसेज को, तो एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी जो है हमारे पास फुल लोड कॉपर लॉसेज हैं। डब्ल्यू सी क्या है? फुल लोड कॉपर लॉसेज। तो जो एक्चुअल कॉपर लॉसेज हैं वो हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज। एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज को हम आयरन लॉसेज के बराबर कर देंगे, बराबर करने पर हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू सी। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। एक्स की एक वैल्यू और आई थी हमारे पास, वो आई थी एक्स इक्वल टू आई टू अपॉन आई एफ एल। तो ये दोनों वैल्यू हमको याद रखनी है। एक्चुअल के वी ए, अब यदि हमको एक्चुअल के वी ए निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल के वी ए निकालने के लिए फुल लोड जो के वी ए है, फुल लोड के वी ए को जो आई टू हमारे पास आई टू अपॉन आई एफ एल आई थी, तो आई टू अपॉन आई एफ एल को यदि वी टू से मल्टीप्लाई कर दें, आई टू को वी टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास के वी ए आ जाती है। तो दोनों साइड हम यदि वी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल के वी ए आ जाएगी, एक्चुअल के वी ए आ जाएगी फुल लोड के वी ए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आई टू इक्वल टू एक्स इंटू आई एफ एल थी। अब दोनों साइड हमने वी टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगी वी टू इंटू आई टू जो कि एक्चुअल के वी ए है, वी टू इंटू आई एफ एल फुल लोड के वी ए है, और इंटू एक्स आ जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू आई बटे डब्ल्यू सी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। इस तरीके से यदि हमसे ट्रांसफॉर्मर की एक्चुअल के वी ए पूछता है, फुल लोड के वी ए दी हुई है, डब्ल्यू आई डब्ल्यू सी दिया हुआ है, तो हम एक्चुअल के वी ए इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।